सिंह से टच में बने हुए हैं और राजनाथ सिंह पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री को दे रहे हैं और बैठकों का दौर जारी है, हर तरीके की तैयारी की जा रही है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक दो टूक कह दिया गया है कि आतंकियों को जवाब देना है, अगर हम माने तो सरकार कतई इस मूड में नहीं है कि बातचीत करें, कोई डोजियर पेश करें कि जैशे मोहम्मद ने किया था, इसने किया था। सरकार किसी बड़े एक्शन की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन अभी इसको आधिकारिक तौर पर कहना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जिस जो एक बॉडी लैंग्वेज हम जिसकी बात करते हैं, अगर दिल्ली की उस वो बात करें तो दिल्ली में वो बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि बहुत जल्दी इस हमले पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को हमको मिल सकती है। बिल्कुल, लेकिन पुष्कर जिस तरह से हम आज के हमले को देखें, जिस तरह से रक्षा विशेषज्ञ भी सवाल खड़े कर रहे हैं, लोकल मदद जिस तरह से मिल रही है, आतंकियों को फंडिंग की जा रही है, इतना बड़ा आतंकी हमला सामने आता है तो उसको लेकर नीतियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से बार बार नीति सामने आती है, आतंकी हमले सामने आते हैं। देखिए, हम दो तरीके की नीति नहीं चल सकते हैं। जैसा आप जिनकी बात कर रहे हैं, प्रफुल्ल बख्शी बात कर कह रहे थे, तो मैं भी सुन रहा था, वो बिल्कुल कह रहे थे कि इसी धरती पे उनको फंडिंग मिल जाती है। आप बताइए, यहीं का लोकल एक मिलिटेंट उनको साथ देता है जैसे मोहम्मद को, और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। ये हकीकत है कि कुछ सियासी दल अपने फायदे या दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए एक किसी का हितैषी बनने के चक्कर में ये हो रहा है, इसी को रोकना है। अब जरूरत, वही मैं बार बार कह रहा हूं कि जरूरत इस बात की है कि कोई ऐसी नीति बने कि अब बिल्कुल नीति ऐसी बने कि बार बार इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए, इस तरह का देश जख्म ना सहे। और जो आक्रोश आज देखने को मिला, जो सड़कों पर लोग उतरे हैं, जो आक्रोश है लोगों के प्रति, आतंकियों के प्रति देश भर में, वो अब यहां पर जो देखने को मिला, इसकी जमीनी हकीकत क्या है, किस तरह से लोगों में आक्रोश हुआ, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ मेरठ से लगातार संवाददाता नरेंद्र बने हुए हैं। नरेंद्र, जिस तरह से यहां पर सवाल उठ रहा आज के हमले को लेकर, लगातार सरकार मंथन कर रही, मीटिंगों का दौर चला, लेकिन देश की जनता बदला मांग रही है, देश का आक्रोश क्या कहता है? देखिए, मेरठ में जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा आक्रोशित हैं। अभी ये पुतला भी यहाँ पर फूंका गया है, पाकिस्तान मुर्दाबाद के यहाँ पर नारे भी लगे हैं, और लोगों का कहना है कि जिस तरीके से हमारे जवानों की शहादत हुई है, उसी तरीके से सरकार जो है उनका बदला ले, खून का बदला खून से लेना चाहिए पाकिस्तान से, ये कहना है यहाँ के लोगों का। और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत देर से जो नारे हैं पाकिस्तान के खिलाफ वो लगा रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, 42 से ज़्यादा जवानों की शहादत हो चुकी है, इतना बड़ा हमला हुआ है, सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? हमारे यहाँ के जो प्रधानमंत्री, उन्हें एक्शन लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा गलत हुआ है हमारे जवानों की, इतने सारे अभी जो जवान थे हमारे एक्सपायर हुए हैं, सरकार को बहुत ज़्यादा इस पर ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। लोग जो जवानों की शहादत है उसको लेके बहुत ज़्यादा गमगीन भी हैं, दुख भी जता रहे हैं। आपको क्या लगता है, एक नौजवान होने के नाते जब ऐसी घटना होती है देश पर, तो कैसा फील करते हैं? फील तो बहुत बुरा करते हैं। देखो, जैसा है हमारे हाथ में दे दो बंदूक, हम बता देंगे किसे कहना है। लेकिन ये बात है, मोदी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि ये नहीं है कि उनको खिलाफ उनके हर बार बोलते रहें कि भाई ये गलत कर रहे हैं। भाई जो जैसा आज तक किसी को, मैं बताता हूँ, मेरी मम्मी, बिल्कुल यहाँ पर जनता यही चाहती है कि एक बार फिर कड़ा संदेश दिया जाए, जवाब दिया जाए, जिसकी वजह से ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं उनको सबक मिले, दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो, देश के लाल इस तरह से अपनी जान न गवाए। नोएडा में क्या कुछ हालात है, किस तरह का आक्रोश है, जनता क्या कुछ चाहती है, इसके लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता दानिश का। दानिश, यहाँ पर देश भर में आक्रोश की लहर है, सरकार से जवाब देने की मांग की जा रही है, मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की जा रही है, किस तरह का आक्रोश अब देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, जिस तरीके से हमारी लोगों से बात हो रही है, सबका यही कहना है कि खून का बदला खून, जिस तरीके से सेना पर हमला हुआ और आतंकवादी संगठनों ने अपने बाकायदा इसकी जिम्मेदारी ली, तो उनके ऊपर भी वही वार करना चाहिए जो आज हमारी सेना पर वार हुआ है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, किस तरीके की रणनीति बननी चाहिए और ऐसे आतंकवादी संगठनों ने कैसे बदला लेना चाहिए, आज जिस तरीके से शहीद हुए हमारे जवाब। ये देखिए, जो समझौते की बातें चलती है ना, उनसे तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। जिस तरीके से, या तो जैसे मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक का एटरेंडम बिना बताए डिसीजन लिया था, वैसे ही हमारी सेना को या सेना के जो उच्च अधिकारी हैं उनको एक रणनीति बनाकर अपने स्तर पर, जो पब्लिक को बिना बताए या किसी को बिना लिखे, ऐसी कोई रणनीति बनाकर उसको भी शांत तरीके से, चुपचाप तरीके से एकदम से अंजाम देना चाहिए, ठीक है? और वो सही नहीं लगता है कि अब इस चीज को हम लोग झेल पाएंगे।
किसी के लिए भी है, मतलब बहुत दुख की बात है। बिल्कुल दुख की बात ये है, देश भर में दुख की घड़ी है जब देश के बड़ी संख्या में लाल यहाँ पर आतंकी हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। 42 के करीब संख्या यहाँ पर सामने आ रही है देश के जवानों की जो इस हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़ी संख्या में अभी भी जवान गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज लगातार जारी है। देश भर में उनके लिए दुआओं का दौर जारी है। आक्रोश है लोगों में इस घटना को लेकर। लखनऊ में क्या कुछ हालात है, किस तरह से यहाँ पर आक्रोश देखने को मिला, इसके लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता फरमान का। फरमान, जिस तरह से आज ये आतंकी हमला भरा है, हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर जो क्या करना चाहिए, यहाँ पर हम ये आपको बता रहे हैं नापाक हरकत को जवाब देने की मांग यहाँ पर देश भर में हो रही है। किस तरह से यहाँ पर अब रास्ते क्या हैं, किस तरह से यहाँ पर जो देश का आक्रोश है उसको कैसे शांत किया जा सकता है, किस तरह से यहाँ पर जवाब दिया जा सकता है, वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान से व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते जो बनाने की बात की जाती है उनको खत्म किया जाए, पाक आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए, ये तमाम रास्ते हैं, ये तमाम नीतियां हैं जो यहाँ पर सरकार को अपनाना चाहिए जिसके आधार पर जो देश का आक्रोश है, जो इस तरह की घटनाएं उनको रोका जा सकता है, जवाब दिया जा सकता है कि एक के बाद एक जिस तरह से ये घटनाएं सामने आती हैं। फरमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फरमान, देश भर में आक्रोश, लखनऊ की क्या स्थिति? देखिए, अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के जो लोग हैं वो भी काफी आक्रोशित हैं। हमारी कई लोगों से यहाँ पर बातचीत हुई, उनका आक्रोश साफ जाहिर है, साफ नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से जो घटना हुई है, जिस तरह से कायराना हरकत की है की गई है, किस तरह से जवाब देना चाहिए, कितना आक्रोश है यहाँ के? अगर लखनऊ के लोगों की बात करें हम, पूरे देश में आक्रोश है। इस तरह का दुस्साहस हिम्मत अगर दिखाया है तो भारत के प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री चुप नहीं बैठेंगे। देश के लोगों को विश्वास है और सर्जिकल स्ट्राइक एक जबरदस्त हम लोगों की मांग है कि होनी चाहिए, और जितने दहशतगर्द हैं खोज खोज के एक एक को मारने की जरूरत है। देश के लोग आस्था और विश्वास के साथ एक गुहार कर रहे हैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से। क्या लगता है कि कायराना हरकत है, बिल्कुल जिस तरह से जो हमला किया गया है आतंकियों की तरफ से, वो एक कायराना हरकत है? पाकिस्तान ये कोई आज पहली बार नहीं, हमेशा वो उसकी ये चाल रही है और वो इसी तरह से हमारे देश के सैनिकों के साथ में धोखे से उन पर हमला करता है। लेकिन हमारे देश की जो वर्तमान सरकार है या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री हैं उन पर हम लोगों को पूरा विश्वास है कि पाकिस्तान दोबारा इस तरह की कोई घटना नहीं करेगा। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आने वाले समय में उनको इससे ज़्यादा बड़ी जो इनके साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो करेंगे। और मेरा कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान भविष्य में ऐसी कोई घटना ना करे, इसलिए भारत के सैनिकों को छूट देनी चाहिए जिससे कि भारत के सैनिक पाकिस्तान के अंदर जाके वहाँ के सैनिकों को दिन दोपहर मार के वापस भारत के अंदर आने चाहिए। और इसलिए हम कहते हैं कि भारत जैसे देश को संयम की जरूरत नहीं है, अब कुछ करने की जरूरत है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ के जवाब देने की जरूरत है। बिल्कुल, देश में यहाँ पर आक्रोश है। फरमान, जनता साफ तौर पर कह रही है कि अब जवाब देने का वक्त आ गया है, बड़ा हमला हुआ है और अब जवाब देने का वक्त आ चुका है, जो कि जिस तरह से अब 42 से ज्यादा जवान यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं, शहादत दी है उन्होंने देश के लिए और अब यहाँ पर जवाब की जरूरत है। दिल्ली से हमारे संवाददाता लगातार रवि सराफ हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जिस तरह से आज ये बड़ा हमला सामने आया, देश भर में आक्रोश है, दिल्ली में भी अगर देखें तो लगातार बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA लगातार इनकी बैठक चल रही है, आपस में नीतियां तय की जा रही है, मंथन हो रहा, क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल शैलेंद्र, अगर दिल्ली की बात करें या पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में कहीं ना कहीं एक रोष है, एक आक्रोश है इस हमले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से